एक बच्चे का किडनैप हुआ, उसकी माँ ने बकायदा पुलिस थाने में बच्चे की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो सामने आई 3 साल पहले की रहस्यमय कहानी। किडनैपिंग के कुछ दिनों बाद ही बच्चा पुलिस थाने आ जाता है, और जब पुलिस को किडनैपिंग के असली मास्टरमाइंड का पता चलता है तो पुलिस का दिमाग घूम जाता है। इस 3 साल पहले जुड़ी खौफनाक कहानी का कभी पर्दा नहीं उठता अगर किडनैपर से गलती नहीं होती। जब आप इस वारदात के बारे में जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। शुक्रवार यानी 12 जुलाई की शाम करीब 5 बजे एक महिला यूपी के गाजियाबाद के विजयनगर पुलिस थाने में आती है और कहती है कि मेरे बेटे का 7 साल का जो था वो किडनैप हो चुका है, आसपास कई जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद पुलिस ने बच्चे की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई और महिला से पूछा कि तुम्हें किसी पर शक है क्या। इसके बाद महिला ने 2 आदमियों का नाम लिया, आशु शर्मा और लोकेश चौहान। पुलिस ने टीमें बनाई और तुरंत उन्हें ढूंढने के लिए निकल गई। अगले ही दिन यानी 13 जुलाई को पुलिस ने दोनों आदमी यानी आशु शर्मा और लोकेश चौहान को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने बताया कि हमारा इस केस से कुछ लेना देना नहीं है, हमने किडनैपिंग नहीं की है। इसके बाद पुलिस ने दोनों की कॉल डिटेल्स निकाली, लेकिन कॉल डिटेल्स में ऐसा कोई सुराग नहीं आया जिससे ये पता चल सके कि किडनैपिंग उन दोनों ने की है। 2 दिन बीत चुके थे लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चला था बच्चे के बारे में। इसके बाद पुलिस माथापच्ची कर रही थी कि महिला का बेटा गया तो गया कहाँ। फिर इसी बीच यानी रविवार 14 जुलाई के दिन एक महिला एक बच्चे को लेकर पुलिस थाने आती है विजयनगर की। ये बच्चा वही था जिसका किडनैप हुआ था। पुलिस का एक दिमाग घूम जाता है कि जिस बच्चे को वो लेकर कोना कोना छान रही है वो बच्चा एक महिला के साथ खुद पुलिस थाने आ जाता है। इसके बाद पुलिस उस महिला से पूछती है तो पता चलता है कि ये महिला उस बच्चे की माँ की मौसी है, यानी जिस महिला ने अपने बेटे की किडनैपिंग रिपोर्ट कराई ये महिला उसकी मौसी है। इसके बाद पुलिस महिला से पूछती है कि तुम्हारे पास ये जो बच्चा है वो कहाँ से आया, तो वो महिला बताती है कि मेरे घर ये नीरज नाम का आदमी छोड़ गया था। अब ये नीरज कौन था? पता चलता है कि नीरज जो है वो बच्ची की माँ का बॉयफ्रेंड है, यानी जिस महिला ने अपने बेटे की किडनैपिंग रिपोर्ट दर्ज कराई नीरज उसका बॉयफ्रेंड था। पुलिस का देख ये दिमाग चकरा जाता है कि पहले एक महिला ने अपने बेटे की किडनैपिंग रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर उसने 2 आदमी पर शक जताया, उन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन उनके पास ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि किडनैपिंग उन्होंने की है। इसके 2 दिन बाद ही किडनैपिंग के एक महिला उस बच्चे को लेकर पुलिस थाने आ जाती है। पुलिस का ये देख दिमाग घूम जाता है। इसके बाद पुलिस जो है बच्चे की माँ को पुलिस थाने बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। पूछताछ में पता चलता है कि किडनैपिंग की असली मास्टरमाइंड बच्चे की माँ ही है। महिला ने खुद ही अपने बेटे की किडनैपिंग कराई, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्यों माँ ने अपने बेटे की किडनैपिंग कराई, ऐसी कौन सी वजह थी सवाल उसके सामने। तो यहाँ से पर्दा उठता है 3 साल पहले की रहस्यमय कहानी से। महिला से जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि महिला ने साल 2021 में आशु शर्मा और लोकेश चौहान के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था, जिसके चलते उन दोनों को जेल भी हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद दोनों को जमानत मिल गई और जेल से बाहर आ गए। फिर इसी साल 2024 में ही मार्च के महीने में महिला ने उन दोनों के खिलाफ एक और केस दर्ज कराया। इस बार था कि आशु शर्मा लोकेश चौहान ने महिला के घर घुसकर मारपीट की है, लेकिन जब पुलिस ने इस केस में छानबीन की तो पता चला कि ये केस फर्जी है और महिला ने झूठे आरोप लगाए हैं। इसके बाद महिला ने उन दोनों को फंसाने के लिए और जेल भेजने के लिए अपने बच्चे की झूठी किडनैपिंग का जाल रचा और इसमें उसका साथ दिया उसके बॉयफ्रेंड नीरज ने। महिला ने नीरज से कहा था कि मेरे बच्चे को जो है अपने घर ले जाओ, दरअसल नीरज जो है वो बुलंदशहर का रहने वाला था, और महिला ने कहा कि मेरे बच्चे को अपने घर ले जाओ और 3-4 दिन वहीं रखो, इसके बाद जब मैं कहूँ तो कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाई मिलाकर बच्चे को विजयनगर पुलिस थाने के पास छोड़कर चले जाना, और साथ ही बच्चे को आशु शर्मा और लोकेश चौहान का नाम रटवा देना ताकि जब पुलिस बच्चे से पूछे किडनैपर के बारे में तो शक जो है वो आशु शर्मा लोकेश चौहान पर जाए और वे जेल चले जाएं। ये महिला की प्लानिंग थी और ये पूरी प्लानिंग सही डायरेक्शन जा रही थी, लेकिन जो नीरज ने उसने एक गलती कर दी। दरअसल नीरज जो है वो डर गया था कि किडनैपिंग के चलते वो फंस ना जाए, इसके लिए उसने बच्चे को अपने घर नहीं ले गया और महिला की अपनी यानी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी उसके मौसी के यहाँ ले गया, मौसी जो हापुड़ की रहने वाली थी, और बेटे को वहाँ पर छोड़ दिया।
महिला की जो मौसी थी वो 2 दिन बीत चुके थे लेकिन नीरज जो है वो वापस नहीं आया था, इसके चलते उसको कुछ गड़बड़ लगी। इसके लिए महिला की मौसी विजयनगर पुलिस थाने में आ गई बच्चे को लेकर। इसके बाद इस पूरी कहानी से पर्दा उठता है। इस केस में पुलिस ने बच्चे की माँ को और उसके बॉयफ्रेंड नीरज को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि जो महिला वो अपने पति से अलग रहती है क्योंकि उसका अपने पति से विवाद चल रहा था। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।